खाली हूँ, ठीक है, मैंने कोई हथियार नहीं करा, कोई कुछ नहीं करा सर। सिर्फ क्या करते हैं? मेरे माँ बाप एक कुक हैं सर, और मम्मी एक बर्तन धोती है, मेरा भाई मेरे बाप में अकाउंटेंट है, सिस्टर पढ़ती है सर मेरी दिल्ली में। सर मैं थोड़ा वैसे दिमाग से हूँ, मैं जॉब ज़्यादा नहीं कर पाता, मैं नौवीं फेल भी हूँ इसलिए मुझे कोई जॉब नहीं दे पाता। बस ये बात तुम दबाव में करे दिल से करे सर, अपने दिल सच सच बता रहा हूँ सर, जो मेरे साथ हुआ है। दबाव तो नहीं, नहीं सर मेरे पे कोई दबाव नहीं है, कोई पुलिस वालों ने कुछ नहीं करा, कोई कुछ नहीं करा। अगर किसी पुलिस वाले ने बदमाशी की तो वो बता दो। नहीं सर कोई कुछ नहीं करा मेरे साथ, कोई कुछ नहीं करा, कोई भी दबाव नहीं तुम्हारे ऊपर, कुछ भी दबाव नहीं था सर, जो उन लोगों ने करा बस वो दबाव था। मैंने उनको बोला भी था कि मेरे पास पुलिस वालों को छोड़ दो, मेरे को पुलिस वालों के पास छोड़ दो सर, पर उन्होंने नहीं छोड़ा सर मुझे। मेरे पर कोई दबाव नहीं है, कोई पुलिस वाले ने गलत काम नहीं करा सर हमारे साथ। नहीं कोई प्रदीप ऐसा जो बता रहे सर, प्रदीप ऐसे सर झूठ है सर, ऐसा कुछ है ही नहीं सर। सर कोई ऐसे चो ही नहीं है तो वो कहाँ से भेजेगा सर लड़के, कोई है ही नहीं तो कहाँ से, और जब कोई हथियार आए नहीं है तो सर वो मिलेंगे कहाँ से सर। ठीक है, वो कुछ कहना नहीं सर, वो कुछ नहीं कहना। नकाबपोश का सच आपने सुना सबसे पहले जी हिंदुस्तान ने, अब तक ये सच पहुंचाया कि किस तरीके से दबाव में चलते यहाँ पर सरकार को घेरने की और पुलिस प्रशासन को बदनाम करने की पूरी साजिश रची जा रही थी, क्योंकि इनकी मंशा कुछ और है। 26 तारीख को लेकर किस तरीके का षड्यंत्र यहाँ पर सिंगू बॉर्डर पर किसान नेताओं के बीच चल रहा है उसकी ये बांगी, इसका ये बड़ा सच जी हिंदुस्तान ने दिखाया। ये वही नकाबपोश है जो की कल रात देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किसान नेता ये दावा करते हुए दिखे की देखिए किसानों को बदनाम करने के लिए किस तरीके से यहाँ पर हत्या करवाने की प्लानिंग चल रही है। लेकिन ये वही शख्स अब कबूल करता हुआ कि उसके साथ मारपीट की गई, उस पर दबाव बनाया गया, दो दिन तक उसे किसान नेता अपने साथ रखते हुए दिखे थे और ये कहते हुए दिखे थे कि जो हम कहेंगे उसे तुझे करना होगा। और